एनएस न्यूज लाइव खबरों की शुरुआत के लिए इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बहु बेटे के साथ बेटी ने मिलकर पिता को उतारा मौत के घाट। 24 घंटे में मिले कोरोना के 4,365 संक्रमित। रक्षाबंधन के बाद ट्रेन से लौटना आसान नहीं। दर्शकों अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के पूर्णिया में एक व्यक्ति के हत्या का आरोप उसके ही सगे बेटे बेटी और बहू पर लगा है। पुलिस के मुताबिक बेटे बेटी और बहू ने मिलकर अपने ही पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। शव को घर में दफना दिया। आइए देखते हैं इस चौंका देने वाली घटना को। वारदात की सूचना मिलते ही शनिवार को कस्बा थाना प्रभारी अमित कुमार मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के साथ नाइमुद्दीन के घर पहुंचे और जलावन घर से खोदकर शव को बाहर निकाला। मृतक नाइमुद्दीन की दूसरी पत्नी इशरत खातून ने बताया कि उनके पति ने दो शादी की थी। उनकी पहली पत्नी के बेटे मुजस्सिम और वासिम दोनों की पत्नियां नरगिस खातून, आशिया खातून और बेटी नासरी खातून ने मिलकर नाइमुद्दीन की गला दबाकर हत्या कर दी और शव जलावन घर में दफना दिया। उन्होंने कहा कि 10 कट्टा जमीन को लेकर बेटे बेटी और बहू ने मिलकर नाइमुद्दीन की हत्या कर दी। दूसरी खबर, मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। वहीं हर रोज बड़ी संख्या में मरीजों के स्वस्थ होने से एक्टिव मरीजों की संख्या भी कम होती जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शुक्रवार को राज्य में 4,365 नए मामले सामने आए, जिसमें कुल संक्रमितों की संख्या 64,15,935 हो गई है। 105 मरीजों की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार अब तक 1,35,672 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 6,384 मरीज कोरोना मुक्त होकर अपने घर लौट गए। तीसरी खबर, रक्षाबंधन के बाद ट्रेन से लखनऊ लौटने में लोगों को सीटों की मारामारी से जूझना पड़ेगा। ट्रेनों में वेटिंग 179 तक पहुंच गई है। रक्षाबंधन मनाने के लिए दिल्ली, मुंबई, पटना आदि शहरों से लखनऊ वासी घर तो पहुँच गए हैं, पर पर्व के बाद इन्हें लौटने में दिक्कतें होगी। ट्रेनों में वेटिंग बढ़ने से सीटों की मारामारी शुरू हो गई है। दिल्ली के लिए सोमवार को एसी एक्सप्रेस की थर्ड एसी में वेटिंग 35 है, सेकंड एसी में आरएसी चल रही है। ऐसे ही महामाना एक्सप्रेस की स्लीपर में 18 वेटिंग हो गई है। लखनऊ मेल की स्लीपर में 83 तथा थर्ड एसी में वेटिंग 7 पहुँच गई है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। देश की राजनीति पर होगी आपकी मुझसे सीधी बात। देश की आम जनता जुड़ेगी मेरे साथ। हर गली की राजनीति पर होगी हमारी बात। आपके नगर सेवक से लेकर सांसद तक से होगी चर्चा, जिसमें विकासात्मक कार्य और उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार दोनों पहलुओं पर होगी बात। मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ सरकार से सीधी बात दोपहर 2 बजे